सो ऑल राइट गाइस, स्किप अ बीट के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आई होप आपको ड्रामा पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। तो चलो भाई, किस तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 4। सो येन और मिस्टर गुजो की लड़ाई हो जाती है, आपको लास्ट मतलब पिछले एपिसोड के लास्ट में पता चल गया होगा। तो जब येन अपने घर आता है जहाँ पर अपनी साउसिंग भी होती है, तो साउसिंग से वो बहुत छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब कुछ समझ जाती है कि भाई अब मिस्टर गुजो के साथ इतने साल रहने के बाद वो किस तरह का आदमी है, उसे तो ये पता ही होगा। तो वो बहुत छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन छिपा नहीं पाता है। तब येन बोलता है कि मैं तो उस पर इतना गुस्सा था कि बस मैं उसे एक ही गुस्सा मार पाया, एक से ज़्यादा उसे मार नहीं पाया। इस बात की मुझे ज़्यादा वो मतलब बुरा लग रहा है। सो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम मेरी मदद इतना कर क्यों रहे हो। सो येन ने अपना यहाँ पर साउसिंग को इनडायरेक्टली प्रपोज कर देता है, मतलब बोलता है कि मुझे मतलब जिस तरह की वाइफ चाहिए थी इन फ्यूचर में, जिस तरह मैं चाहता हूँ, मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें पाता हूँ। तो वो हल्का सा अपना हाथ उसके हाथों पे रखता है, लेकिन यहाँ पर साउसिंग बोलती है कि तुम मुझसे अभी मिले हो और हो सकता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं बिल्कुल वैसी ना हो पाऊँ। सो यहाँ से वो थोड़ी सी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी येन के मोबाइल पे फ़ोन आता है, बोलता है कि बहुत इमरजेंसी आ गई है, मतलब उसके ऑफिस से, जल्दी आप यहाँ से चले आओ। सो यहाँ पर येन बोलता है कि तुम यहीं रेस्ट करो, मैं जल्दी से आता हूँ, कुछ इमरजेंसी आ गई है। और इस तरफ मिस्टर गुजो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि भाई तुमने मुझे रोक क्यों लिया, भाई मुझे उसे और मारना था। लेकिन यहाँ पर उसके जो फ्रेंड है वो समझाता है कि यार ऐसे तुम कर क्यों रहे हो भाई, वो असल में यून का जो है वो कज़न है, तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो हो सकता है तुम्हारे रिलेशनशिप में मतलब जो तुम लोग की शादी होने वाली है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं अचानक से ये कज़न कहाँ से बीच में आ गया। तो थोड़ी देर बाद साउसिंग की जो फ्रेंड आती है उससे मिलने के लिए, तो वहाँ बताती है कि येन के जो मतलब बिजनेस के ऊपर किसी ने एलिगेशंस लगा दिया है और उसके कॉपीराइट को समथिंग मतलब इश्यूज़ करा दिया है और उससे बहुत ज़्यादा मुसीबत में उसकी कंपनी को डाल दिया गया है, पता नहीं ये कौन है, किसने किया है। तो यहाँ पर वो समझ आती है कि ये मिस्टर गुजो का ही काम है भाई, वही ये सब चीज़ें हरकत कर सकता है क्योंकि मैं येन के साथ रह रही हूँ। तो भाई वो देर बगैर किसी देरी के सीधे मिस्टर गुजो के यहाँ पहुँच जाती है, और मिस्टर गुजो उसी चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उसे पता है कि येन भी किस तरह मतलब सॉरी अपनी साउसिंग किस तरह की लड़की है, वो किसी और पे मुसीबत आने नहीं देगी। तो जैसे ही अंदर आती है उसके बाद बोलता है तुमने आने में थोड़ी देर लगा दी, लेकिन तुम बहुत जल्दी मतलब भाई मैंने जैसा सोचा था तुम आ ही गई। देन उसके बाद वो सिंपल से बोलती है कि इसका मतलब तुमने ही येन के ऊपर ये सब किया है। तो भाई मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्या क्या तुम चाहते क्या हो, तो तुमको पता है तुम्हें मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। पर तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है। वो बोलता है मेरी अभी शादी नहीं होने वाली है, अगर तुम चाहती हो कि मैं उसके एलिगेशंस जो है उसे हटा लूं और ये इनको परेशान ना करूं, तो तुम्हें मेरे पास वापस लौटाना पड़ेगा, समझ में आ रहा तुम्हें। तो यहाँ पर अब वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हें येन को एकदम फ्री करना पड़ेगा और येन के साथ कुछ भी नहीं होना, येन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो यहाँ मिस्टर गुजो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि भाई बस उसका नाम सुनते ही उसके लिए तुम मेरे पास आने तक वो तैयार हो गई हो। उसके बाद वो बोलती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, बस मैं ये इतना जानना चाहती हूँ कि अगर मैं आऊँगी तुम्हारे पास तो येन के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, मैं अपने वादे की पक्की हूँ और तुम्हें भी होना चाहिए। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और येन इस तरफ अपनी कंपनी की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसे फ़ोन आता है उसकी सेक्रेटरी के थ्रू और बोलती है कि सारे एलिगेशन जो है उस कंपनी ने हमसे हटा लिया है और हम अब बिल्कुल फ्री हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं सामना करना नहीं पड़ेगा। देन यहाँ पर येन समझ जाता है कि ये सब क्यों हुआ है और क्यों उसने ये एलिगेशंस निकाल लिया है। तो वो तुरंत गाड़ी को घुमाता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब वो वहाँ से चली जाएगी उसे छोड़कर। और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल साउसिंग घर से बाहर ही निकल रही थी, तभी वो वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि आखिर मैंने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ, तुम उसके आगे डर के मतलब भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी कंपनी को चाहे नुकसान हो जाए, ऐसे फेक दावों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन साउसिंग बोलती है कि देखो ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं सोच रही थी कि उससे दूर भागते रहूँगी तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, मुझे वहाँ रह कर ही और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं दुनिया में कहीं भी चले जाऊँगा आज नहीं तो कल मुझे ढूंढ ही लेगा। सो ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाने देना पड़ता है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि अगर कुछ भी दिक्कत कभी भी होगी तो तुम मुझे तुरंत फ़ोन करोगी, मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा। इधर फाइनली साउसिंग मिस्टर गुजो के यहाँ पर वापस आ जाती है, और जैसे ही वहाँ पहुँचती है भाई मिस्टर गुजो भरे पड़े रहते हैं भाई, वो तैयार रहते हैं। जैसे साउसिंग आती है उसे पीछे से पकड़ लेते हैं, बोलती है कि फाइनली तुम मेरे पास आ गई। तो उसके बाद वो पूछती है क्या तुमने बे के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, तो बोलती है वो बोलता है कि जब तक तुम मेरे पास होगी तब तक उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और मैं तुम्हें हमेशा बड़ा खुश रखूंगा और बड़ा ध्यान से रखूंगा। तो उसके बाद वो बोलती है, लेकिन वो बोलता है कि देखो चाहे जो हो जाए मुझे दोबारा उसका नाम तुम्हारी जुबान से नहीं सुनना चाहिए। तो यहाँ पर वो थोड़ी सी उसकी मजे लेते हुए कहती है कि अच्छा तुम्हारी तो एक फैमिली बनने वाली है, क्या तुम हैंडल कर पाओगे उसे, मुझे कब तक उससे दूर रख पाओगे। ये बात सुनकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं अभी गुस्से के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मिस्टर गुजो यहाँ पर फिर से उसके साथ फेंका फाँके स्टार्ट कर देते हैं, भाई मतलब कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, ये सब चीज़ें
और भाई मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे होते हैं, तो वो बोलती है कि मैं बस आपके पास आई हूँ, ठीक है, ज़रा भी कुछ मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब वो उठ के वहाँ से जाने लगती है तो उसे अपने पास खींच लेते हैं और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगते हैं, तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। उसके बाद किसिंग सीन के समय वो उसके होठों को ही काट लेती है, उसके पास अब कोई चारा नहीं बचता है ना। उसके बाद तुम पागल हो गए हो क्या, सुनिए मैं बस आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे उससे बचाना था, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत लीजिएगा, मैं आपके पास ये सब करने के लिए नहीं आई हूँ। मतलब वो भाई चेतावनी दे देती है कि भाई मुझे वो पुरानी वाली मत समझना, समझे कि नहीं। अगले दिन मिस्टर गुजरा अपने कलीग्स को बोलते हैं कि जाओ यहाँ से, कुछ एक्सपेंसिव मतलब कार देते हैं, बोलते हैं कि सबसे बेस्ट चॉइस करके कुछ लाओ जो तुम्हें पसंद हो, जो लोगों को पसंद आए, मतलब साउथ इंडियन के लिए वो कुछ गिफ्ट लेने के लिए वो भेजते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर यून जो होती है वो ड्रेस अपनी वेडिंग वाली ड्रेस पहनकर, मतलब वो काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल सी लग रही थी। सो मिस्टर गुजो का जो दोस्त होता है वो उसके साथ उसके शॉपिंग करा रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे यून और वो लड़का जो मिस्टर गुजो का फ्रेंड है काफ़ी अच्छे दोस्त है। तो वो बोलता है कि बचपन में तुम इतनी छोटी सी थी, तुम्हारी नाक बहती थी, तुम हमेशा रोती रहती थी और आज देखो तुम्हारी शादी होने वाली, तो ऐसे लगता है कि वो भाई इमोशनल हो जाता है उसे देख कर। और मिस्टर गुजो जिस तरह मिस्टर गुजो का दोस्त जिस तरह से यून को देख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे उसके भी दिल में यून के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। सो मिस्टर गुजो की कोलिग जब वो नेकलेस के लिए कुछ देख रही होती है तभी यून वहाँ पहुँच जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर इस समय क्या कर रही हो। तो वो बोलते हैं कि मिस्टर गुजो ने मुझे एक अच्छा सा नेकलेस लेने के लिए बोला है पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे कुछ सजेस्ट करोगे। तो देन वो समझती है कि भाई मिस्टर गुजो मुझे ही कुछ गिफ्ट देने के लिए ऐसा कुछ कर रहे होंगे, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही प्राइसलेस गिफ्ट खरीदने लिए बोलती है कि ये जो है ये एकदम से यूनिक है, ये बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो वो वही गिफ्ट को पिक करवा लेती है। सो रात होते ही मिस्टर गुजो वो गिफ्ट लेकर साउजिंग के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आज साउजिंग जो है एकदम नॉर्मल सा बिहेव कर रही थी, जैसे वो कुछ गुस्सा उस्सा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही थी क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि गुस्सा करने से कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा। तो वो दिखाती है कैसा है, तो बोलती है कि हाँ सही है। तो वो बोलता है क्या मैं तुम्हें पहना सकता हूँ, तो बोलती है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद जब उसे पहना देता है तो वो काफ़ी मतलब अच्छा सा रिएक्शन देती है कि हाँ मुझे बिल्कुल पसंद आया, बहुत ही प्राइसलेस है, अच्छा लगा मुझे। सो मिस्टर गुजो ने प्लान किया हुआ था कि आज दोपहर का जो लंच है वो भाई साउजिंग के साथ करेगा, तो बोला था उसके लिए कि मतलब भाई कुछ मेरे लिए प्लीज़ अच्छा बना के लाना और हम साथ में लंच करेंगे। तो ये वो प्लस का वेट कर ही रहा होता है, उसे भूख भी लगी होती है, तभी वहाँ पर यून आ जाती है और यून खाना लेकर आती है। तो लेकिन बोलते हैं नहीं नहीं मुझे भूख जरा भी नहीं है, तो यून बोलती है ठीक है भाई अगर भूख नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन इतनी देरी में साउजिंग वहाँ पहुँच जाती है और साउजिंग को देखते ही सब उसका ध्यान जब नेकलेस पर पड़ता है तो वो गुस्सा जाती है कि ये नेकलेस इसके गले में क्या कर रहा है, इसका मतलब भाई वो नेकलेस जो पसंद किया था उसने वो किसी के लिए नहीं साउजिंग के लिए था, और उसके साथ ही साथ वो टिफिन भी लेकर आई थी उसके लिए। तो वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और उसे धक्के देकर बोलती है चुपचाप से यहाँ चली जाओ, ये खाना इसे उसके खाने तक को फेंक देती है। तो साउजिंग को क्या था, साउजिंग को यह सब तो चाहती थी भाई चाहे जैसे मैं इससे दूर हो जाऊँ। उसके बाद साउजिंग आराम से निकल जाती है। तो उसके जाते ही उन पूछने लगते हैं कि आखिर वो नेकलेस उसके गले में क्या कर रहा। तो यहाँ पर मिस्टर गुजो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोल लगते हैं कि यार तुम जानती हो कि ये इंगेजमेंट हम लोगों की मतलब शादी भी हम लोगों की पसंद की नहीं है भाई, मैं तो तुम्हें पसंद करता नहीं हूँ, ये हमारी फैमिली की वजह से हमारे बिजनेस की वजह से ये सब मैं कर रहा हूँ, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। सो नेक्स्ट डे मिस्टर गुजो की इंगेजमेंट होती है, लेकिन उसी रात को उससे पहले वो साउजिंग से कहता है कि मुझे इंगेजमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे मतलब समझ लो ना मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये सब चीज़ें वो बोल रही होती। लेकिन वो बोलती कि मुझे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो बोलता है तुम कहीं भी चली जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और मैं तुम्हें मतलब हमेशा साथ रखना चाहता हूँ। तो भाई ये ऐसा थोड़े होता है, हाँ एक तरफ बीबी ये तुम घर वाली, दूसरी तरफ बाहर वाली, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो नेक्स्ट डे भाई अपना मिस्टर गुजो को साउजिंग खुद तैयार करती है कि आज उसकी एंगेजमेंट है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है, लेकिन मिस्टर गुजो यहाँ पर जरा भी खुश नहीं दिखाई दे रहा होता है। सो मिस्टर गुजो जाने से पहले बोलता है कि मेरा इंतजार करो, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके बाद ही जस्ट साउजिंग भी अपनी गाड़ी में बैठ कर कहीं निकल रही होती है, तब यहाँ पर मिस्टर गुजो अपनी इंगेजमेंट के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा भी खुश नहीं दिखा दे रहा होता है। तब उसकी माँ पूछती क्या बात है तुम ठीक तो हो ना, तो उसके बाद बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो सोचता है कि चलो मैं साउजिंग को फ़ोन ही लगा लेता हूँ वो क्या कर रही है। तो वो साउजिंग को फ़ोन लगाता है लेकिन वो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा होता है कि फ़ोन बंद हो गया, तो उसे कुछ डाउट हो जाता है, बोलता है कि क्या हो रहा है। उसके बाद वो थोड़ा बोलता है कि गाड़ी पीछे घुमाओ या फिर गाड़ी रोको, इस तरह की बात करने लगता है। तो उसकी माँ बोलती है नहीं गाड़ी नहीं रुकेगी, तो उसको पूछने लगता है कि क्या हुआ क्यों गाड़ी क्यों नहीं रुक सकती, वो बार बार फिर फ़ोन में ला रहा था। तभी उसकी माँ बोलती है कि वो जा चुकी है, मैंने उसे दूर भेज दिया तुमसे बहुत ज़्यादा दूर, क्योंकि मैंने उसे एक वादा किया था कि अगर वो तुम्हें छोड़ देगी तो उसकी एक जो इच्छा है मैं उसे पूरा कर दूंगी। तो उसी के सिलसिले में वो मुझसे मिली थी और बोली थी कि मैं मिस्टर गुजो को छोड़ दूंगी, बस मुझे कुछ ऐसी जगह मतलब जाना है जहाँ पर मिस्टर गुजो और उसकी जो होती नहीं है कि पावर वो वहाँ तक ना पहुँच सके, और मतलब मिस्टर गुजो को मुझसे दूर कर दो। और वो यही विश मांगती है, उसकी माँ पहले बोलती है और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, पैसा दौलत जो भी चाहो तुम वो भी ले सकते हो, क्योंकि वो तो यही चाहती थी। तो बोलती कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फाइनली यहाँ डिसाइड होता है कि भाई मिस्टर गुजो को साउजिंग छोड़ के जा चुकी है। सो मिस्टर गुजो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं कि हर चीज़ का फैसला आप कैसे कर सकते हो, आपने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं, मेरी मर्जी नहीं जानी चाहिए मैं कि किस बारे में मैं खुश हूँ, किस चीज़ों को लेकर खुश हूँ। लेकिन वो बोलती है कि मैं ये सब चीज़ें जो है तुम्हारी खुशी, तुम्हारी कंपनी और हम सभी के लिए कर रही हूँ, और मैं तुम्हारी मदद हूँ ये बात भूलना नहीं।
सो वो लोग इंगेजमेंट के जगह पे जैसे ही पहुंचते हैं भाई, तो उसकी माँ और ड्राइवर जैसे उतरते हैं, उसके बाद मिस्टर गुजो बोलते हैं कि भाई अब मैं नहीं करूँगा भाई, ये तुमने आपने मतलब बहुत गलत किया माँ। सो मतलब लिटरली यहाँ पर वो बोलता है मैं इंगेजमेंट नहीं करूँगा, और उसकी माँ पूरा मतलब टेंशन में आ जाती है कि ये क्या मतलब इतने बड़े घराने के साथ अभी हमारी इज्जत क्या होगा, रेपुटेशन क्या होगी। लेकिन वो क्लियरली बोलता है कि भाई मैं ये इंगेजमेंट नहीं करूँगा, और वो गाड़ी लेके खुद ही वहाँ से भाग जाता है। और इस तरफ साउजिंग अपने होम टाउन अपने मम्मी पापा के पास आई होती है, जो कि एक रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं, तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो बोलती है कि मैं रिज़ाइन करके आ गई हूँ। तो उसकी माँ बोलती है कोई बात नहीं, तुम बहुत ज़्यादा थक भी गई होगी, चलो चलते हैं और बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो यहाँ पर वो साउजिंग अपने मम्मी पापा के पास बहुत दूर चली जाती है। सो डिनर करने के बाद साउजिंग जब अपने कमरे में आती है, तो एक तस्वीर के सामने मतलब पता नहीं तस्वीर किसकी होती है, लेकिन उसे देखने के बाद वो बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो इस तरफ मिस्टर गुजो साउजिंग के यादों को अपने दिल में बसाए हुए साउजिंग की तरफ बढ़ रहे थे, गाड़ी पूरी स्पीड में चला रहे थे, और सभी बातें याद करते इतने सालों के जो रिलेशनशिप था उनका, कैसे वो उसका ख्याल रखते थे, इतना ज़्यादा ख्याल तो उसका किसी ने रखा नहीं होता है, और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि उसने साउजिंग को अपने पास से जाने दिया है। सो मिस्टर गुजो के लिए मेरे पास एक ही शब्द बाई की अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसे ही सुबह हो जाती है। सो अगली सुबह साउजिंग बैठी हुई होती है, तो तभी दरवाजे की घंटी बजती है, और मुझे लगा कि शायद यहाँ पर मिस्टर गुजो पहुँच चुके हैं, लेकिन वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है यहाँ पर होते हैं बे येन होता है, और बे येन को पता चल गया होता है कि कुछ लफड़ा हो गया है, और साउजिंग अपने मतलब शहर से भाग चुके मतलब जा चुकी है। तो वो फाइनली अब उसे तो और अच्छा लगा कि भाई वो उससे अलग हो चुकी है, तो उससे मिलने के लिए पहुँच जाती है। तो उसके मम्मी जैसे उसे वेलकम करती है, मम्मी पापा उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि कोई मेरे साउजिंग से मिलने आया है, और उसकी मम्मी तो कुछ ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके हाथों में बहुत ढेर सारे गिफ्ट्स थे। तो उसे देखकर उसकी मम्मी तो और खुश हो जाती है, हाँ बेटा जल्दी आओ अंदर आओ, क्या तुमने नाश्ता किया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो येन होता है ये कुछ ज़्यादा ही पसंद आया होता है साउजिंग के मम्मी पापा को, तो वो आराम से उसे कमरे में बैठा देते हैं और छुपके उनकी निगरानी करने लगते हैं, और ये एज्यूम करते हैं कि क्या क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये मतलब वो बताते हैं कि ये मेरा कोलीग्स थे, हम लोग साथ में काम करते थे, इस तरह की बातें। तो यहाँ पर वो लोग बहुत उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि येन भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और काफ़ी ज़्यादा रिच भी दिख रहा था। सो थोड़ी देर के बाद येन और साउजिंग जो है वो बाहर घूमने के लिए निकल रहे होते हैं, कुछ सामान लेकर अपने रेस्टोरेंट के लिए आ रहे होते हैं, तभी अचानक से साउजिंग क्या देखती है कि मिस्टर गुजो जो है वो उसके जस्ट सामने खड़े हैं, और वो देख लेते हैं कि भाई वो येन के साथ में है। तो मिस्टर गुजो का रहा नहीं जाता है कि भाई तुम मतलब इसके लिए यहाँ पर इतनी तेज़ी से भाग के आई हो मुझे छोड़कर। सो साउजिंग सिर्फ एक ही बात पूछती है कि भाई आज तो तुम्हारी इंगेजमेंट थी ना। सो मिस्टर गुजो बोलते हैं मैं अपना इंगेजमेंट जो है वो तोड़ के तुम्हारे पास चलाया हूँ, ठीक है, तो क्यों तोड़ के आ गए तुम, क्यों तुम जानती नहीं हो, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे लाइक करती हो, मुझे लव करती हो, बट इस आदमी के लिए तुम ऐसा कर रही हो। और उसके बाद वो बोलते हैं हे ज़्यादा हवा में मत आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आ गया हूँ। तो उसके बाद वो बोलती है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था तुमसे। सो भाई साहब उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, तो मिस्टर गुजो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, तो एक हाथ मिस्टर गुजो के हाथ में एक येन के हाथ में होता है, तो यहाँ पर भाई लव ट्रायंगल क्लियरली दिख रहा होता है। सो अब देखो भाई अब तो ये उसके होम टाउन में आ गया है, तो अब मिस्टर गुजो की कुछ चलने वाली है नहीं, तो अब ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करो वीडियो को, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से लाइक करो, लाइक क्यों नहीं करो तुम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।